हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त आपका भाई मनोज कुमार फिर से हाजिर है आपके सामने एक नई टर्म को लेकर के, एक नए कंसेप्ट को लेकर के। जैसा कि प्रीवियस कई वीडियोस में लगातार हम कर्सर्स की बात कर रहे हैं, इम्प्लिसिट कर्सर्स को हमने जान लिया, एक्सप्लिसिट कर्सर्स को हमने जान लिया, कर्सर्स को जान लिया, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे डाउट हैं जो हमारे मन में आ रहे होंगे। इम्प्लिसिट कर्सर्स को हम यूज़ तो करते हैं लेकिन उन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, ये चीज़ हम बेहतर जानते हैं। ऐसे एट्रीब्यूट जिनको यूज़ करके हम रन टाइम पर, जब कर्सर हमारा रनिंग है उस टाइम पर, ये जान सकें कि वो कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड पे काम कर रहा है, क्या कर्सर ओपन है, क्या कर्सर क्लोज है, कर्सर में कोई वैल्यू है कि कर्सर में कोई वैल्यू नहीं है। इस तरीके की रन टाइम पर इंफॉर्मेशन अगर मुझे चाहिए तो उस चीज़ के लिए मैं यूज़ करता हूँ अपने, क्या दोस्तों, कर्सर एट्रीब्यूट्स। अब कर्सर एट्रीब्यूट्स मेरे कितने तरीके के होते हैं दोस्तों? कर्सर एट्रीब्यूट मेरे चार तरीके के होते हैं, मैंने बोर्ड पे लिखे हैं चारों के चारों। एक बार फोकस करते हैं। सबसे पहला होता है मेरा इज ओपन, फिर होता है मेरा फाउंड, फिर होता है नॉट फाउंड, और फिर होता है मेरा रो काउंट। तो क्या मेरे सारे के सारे एट्रीब्यूट दोनों के दोनों कर्सर्स पे चल जाते हैं? नहीं दोस्तों, इम्प्लिसिट पे केवल और केवल दो ही एट्रीब्यूट सपोर्ट करते हैं, जो कि मेरे कौन से हैं? इज ओपन और मेरा रो काउंट। एक्सप्लिसिट पे हम चारों यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे कंट्रोल का होता है, हम ही उसको ओपन करते हैं, हम ही उसको क्लोज करते हैं, हम ही डेटा फेच करते हैं। एक्सप्लिसिट के केस में कर्सर का नाम कौन देता है? हम देते हैं। तो एक्सप्लिसिट कर्सर में कर्सर का नाम परसेंटेज देके फिर से ये वाले एट्रीब्यूट देते हैं तो मुझे वो पर्टिकुलर वैल्यूज मिल जाते हैं। दोस्तों अच्छे से समझ लिया हमने कि क्या एट्रीब्यूट होते हैं, किस किस के साथ कौन कौन सा एट्रीब्यूट काम करता है। सभी का, इम्प्लिसिट कर्सर हो या एक्सप्लिसिट कर्सर हो, सभी का एग्जांपल करते हैं। एक बार लैब में चलते हैं। दोस्तों इस लैब के अंदर हम देखने वाले हैं चार एट्रीब्यूट्स, और जो इज ओपन वाला जो एट्रीब्यूट था दोस्तों, जो हमने अपने इम्प्लिसिट कर्सर के अंदर नहीं देखा था, उसको भी यहाँ पे बखूबी हम देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी एट्रीब्यूट को यूज़ करने से पहले ये समझ लेते हैं कि उस एट्रीब्यूट का सिंटेक्स क्या होता है। जैसा कि इम्प्लिसिट कर्सर के अंदर मैंने बताया था कि इम्प्लिसिट कर्सर में मेरा PLC इक्वल इंजन एक भी कर्सर जो बनाता है DML परफॉर्म होने पे, उसका नाम रखता है वो SQL। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर यूज़र अपने हिसाब से कोई भी नाम रख सकता है, और उस नाम के साथ में अगर परसेंटेज करके मैं अपने एट्रीब्यूट का नाम यूज़ करूँ तो मैं किसी भी एट्रीब्यूट को अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से यूज़ कर सकता हूँ। तो पहला एग्जाम्पल जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इज ओपन का। अब इज ओपन में क्या रिटर्न होता है ये आपको जानना चाहिए दोस्तों। इज ओपन के अंदर रिटर्न होता है मेरा बुलियन, या तो ट्रू रिटर्न होगा या फॉल्स रिटर्न होगा, उसी के रेस्पेक्ट में हम फिर उसका एक्शन लेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये एक डिक्लेयर सेक्शन है मेरे एक ब्लॉक का। डिक्लेयर सेक्शन के अंदर मैंने दो एक वेरिएबल यूज़ किए हैं, जिनके अंदर फेच के टाइम पे मैं अपने कर्सर से वैल्यूज़ जो है वो इसमें असाइन करूँगा और फिर फर्दर उनको यूज़ करूँगा। एक कर्सर डिफाइन किया है कर्सर कीवर्ड के साथ, कर्सर का नाम यहाँ पे रखा है C1। ये आपको ध्यान से समझना चाहिए कि जो C1 है, जो मेरे कर्सर का नेम है, इसी को मैं परसेंटेज के साथ और एट्रीब्यूट के साथ जब यूज़ करूँगा तभी मैं अपने एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर पाऊँगा। साथ में कर्सर के साथ एसोसिएट की है मैंने अपनी एक क्या SQL, जिस SQL को चलाता हूँ। तो सिंपली आप देख सकते हो कि दो कॉलम की एक SQL मैंने यहाँ पे उसके साथ अटैच की है। जैसे ही SQL चलाता हूँ, ये डेटा जो मैंने नीचे चला के दिखाया है, ये डेटा मेरे एक टेम्प्रेरी मेमोरी के अंदर चला जाता है, जिस मेमोरी को मेरा पॉइंट करता है ये C1 कर्सर, जिसको बोलते हैं हम कंटेक्स्ट एरिया। और जो एरिया मेरे पूरे के पूरे इस अनोनमस ब्लॉक के लिए असाइन होता है, जिसके अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स भी अपने डिक्लेयर करता हूँ, जिसके अंदर मेरे ये वाला वेरिएबल भी होगा, ये वाला वेरिएबल भी होगा, उसे बोलता हूँ मैं अपना PGA। ठीक है, तो PGA के अंदर मेरा कंटेक्स्ट एरिया हो गया, जिसके अंदर मेरी इस वाली SQL की, इस वाली क्वेरी की इन्फॉर्मेशन है कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आए, पॉइंटर मेरा कहाँ पर पहुँच गया, नेक्स्ट पॉइंटर कौन सा होने वाला है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन रहती है। इसके बाद आते हैं बिगिन सेक्शन में। बिगिन सेक्शन में अपना कोड स्टार्ट करना शुरू करते हैं। कोड के साथ में दोस्तों
मेरा जो पॉइंटर है जो कोड को रीड करना स्टार्ट करता है वो डिक्लेयर सेक्शन से नहीं करता है, बल्कि वो करता है मेरा बिगिन से। जैसे ही बिगिन में आएगा, पहली कंडीशन आपको बिगिन में घुसते ही मिल रही है कि इफ़। देखिए दोस्तों, जो इज ओपन होता है इसको दूसरे तरीके से लिखने का तरीका है। अगर मेरे को जस्ट इसकी अपोजिट कंडीशन लिखनी है, इज नॉट ओपन नहीं होता है, आपको लिखना पड़ेगा इफ़ नॉट और उसके बाद परसेंटेज इज ओपन। मतलब कि अगर आपका C1 कर्सर ओपन नहीं है, नॉट मैंने यहाँ यूज़ कर दिया, इफ़ नॉट तो मेरे कर्सर को आप ओपन कर दीजिए। देखिए कोड को उसी तरीके से लिखा जाएगा जिस तरीके से रिक्वायरमेंट होगी। इज ओपन से मैंने ये चेक कर लिया कि मेरा कर्सर यहाँ पे अगर ओपन नहीं है तो ओपन कर दे, और अगर पहले से ही ओपन है तो कोई प्रॉब्लम मुझे है ही नहीं, क्योंकि मुझे आगे अपने फैच स्टेटमेंट को रन करना है। तो ये आपको यहाँ पे आपने देखा कि इज ओपन का जो एट्रीब्यूट है वो मैंने C1 के साथ में यहाँ पे यूज़ कर लिया। इसके बाद सिंपली देखिए कुछ नहीं किया है, जो हम पहले भी करके आए, लूप लिखा, लूप को एंड भी किया, लूप के अंदर घुसते ही मैंने फैच भी किया है कि मेरी कौन सी वैल्यूज़ फैच हो जाएँ। मेरी ये वाली वैल्यूज़, जो दो वैल्यूज़ ये मैंने यहाँ पे ली हैं, जो नीचे भी मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली वैल्यूज़ हैं, ये मेरी फैच होना स्टार्ट हो, पहली वैल्यू जो एम्प्लॉय नेम की है वो जाए वी नेम के अंदर, जो सेल वाली है वो जाए वी सैलरी के अंदर, और फर्दर एक एक करके जो भी एक्शन, एक्शन क्या ले रहा हूँ, एक्शन ले रहा हूँ सिंपल, मैं प्रिंटिंग यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, इन दोनों एट्रीब्यूट्स की प्रिंटिंग यहाँ पे हो, और ये लूप मेरा तब तक चलता रहे जब तक कि मेरा कर्सर चलते 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 लास्ट 10th रिकॉर्ड पे ना आ जाए। जैसे ही 10th रिकॉर्ड पे आएगा और यहाँ से मेरा जो कर्सर है वो 10th रिकॉर्ड को प्रिंट करने के बाद दोबारा से फैच पे जाएगा, नो डाउट वो फैच जरूर करेगा, फैच करेगा 11th नंबर ऑफ टाइम, लेकिन उस टाइम पे मेरे वेरिएबल्स के अंदर 10th नंबर ऑफ वेरिएबल की ही वैल्यूज़ पड़ी होंगी, 10th नंबर रिकॉर्ड की ही वैल्यूज़ पड़ी होंगी, तो वो उसको लेकर के आगे बढ़ेगा। बट अब की यहाँ पर चेक हो जाएगा मेरा परसेंटेज नॉट फाउंड का अगला एट्रीब्यूट, जो सिंपली ये चेक कर देगा कि क्या कर्सर से कोई मेरी वैल्यू आ भी रही है कि नहीं। अगर कर्सर से वैल्यू नहीं आ रही होगी तो ये सेलेक्टेड जो मेरी स्टेटमेंट है ये रिटर्न करेगी ट्रू, और ट्रू होते ही मैं लूप से एग्जिट कर जाऊँगा। एग्जिट होने के बाद मैं कहाँ पे आऊँगा, मैं आ जाऊँगा दोस्तों लाइन नंबर यहाँ पर। उसके बाद देखिए फिर से मैंने इज ओपन का यूज़ किया है। अब की सीधे तरीके से लिखिए कि क्योंकि कर्सर मेरा अभी ओपन है, मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया था, अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या कर्सर मेरा ओपन है। इज ओपन को मैंने यूज़ किया एट्रीब्यूट को, उसने कहा यस आपका कर्सर जो है वो ओपन है, तो सिंपली क्लोज कर दो। मैंने क्लोज करा दिया। सिंपली दोस्तों ये छोटा सा कोड मैंने आपके इज ओपन वाले एट्रीब्यूट के लिए लिखा। एक बार चला के देखते हैं किस तरीके का आउटपुट आता है। ये मैंने यहाँ चला दिया और देखते हैं क्या आउटपुट ये प्रिंट करता है। इसको नेम और सैलरी दोनों प्रिंट कर देने चाहिए। आप देखिए दोस्तों, एम्प्लॉयज़ के नेम और उनकी सैलरीज यहाँ पे उसने प्रॉपरली मेरी प्रिंट कर दिया। तो इज ओपन को यूज़ करने का दोस्तों मेरा ये सिंपलेस्ट तरीका है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगले एट्रीब्यूट की बात करते हैं, किसकी, फाउंड की। हालांकि ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हम अपने इम्प्लिसिट कर्सर के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि एट्रीब्यूट तो मेरे दोनों तरफ यूज़ होते हैं, चाहे वो इम्प्लिसिट कर्सर हो या एक्सप्लिसिट कर्सर हो, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे मैंने सिंपल एक टेबल ली है, वही टेबल, वही कर्सर, वही दो कॉलम, और इनको यूज़ करूँगा मैं इन दो वेरिएबल्स के अंदर। और फर्दर अब की किसको यूज़ करने लें, फाउंड वाले को। फाउंड वाले में क्या चेक करेंगे, फाउंड वाले में चेक करेंगे कि अगर सच में कर्सर में कोई वैल्यू आ रही है रिटर्न होके, तो आप ये प्रिंटिंग करें, जो कि प्रिंटिंग मेरी 10th नंबर ऑफ रिकॉर्ड तक होगी। और जैसे ही एल्स होगा, मतलब जैसे ही नॉट फाउंड में कोई वैल्यू नहीं आएगी, सिंपली वहाँ पर मैं अपना एग्ज़िट कर जाऊँगा। तो एग्ज़िट को लिखने का एक और तरीका आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये हो सकता है, और हमने यहाँ पे फाउंड वाले एट्रीब्यूट को यूज़ किया है। सिंपली देखिए दोस्तों, इसको भी चलाएंगे, आउटपुट तो दोस्तों ये भी बिल्कुल ऐसा ही देगा जैसा मेरे प्रीवियस वाले अनोनमस ब्लॉक का था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने आपकी कोड को अलग तरीके से लिखा है, अब कि हमने अपना इफ़ कंडीशन के अंदर चेक कराया कि जब तक उसको वैल्यूज़ मिल रही है तब तक सिंपली ये वैल्यूज़ जो नीचे मैं दिखा रहा हूँ ये प्रिंट करता जाए, अदरवाइज एग्जिट कर जाए। तो
परसेंटेज फाउंड के साथ हम अपना फाउंड वाला एट्रीब्यूट भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट के साथ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट जस्ट उसका वाइस वर्सा होता है जो मैंने अभी देखा। फाउंड का अपोजिट होता है नॉट फाउंड। नॉट फाउंड में जब वैल्यू नहीं होगी दोस्तों तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, जब होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो सेम कर्सर को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। अब की चेक करूँ कि अगर वैल्यू नहीं मिलती है, नॉट फाउंड एट्रीब्यूट मिलता है तो सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ये मेरे एग्जिट कर देना है। लेकिन अगर आपको वैल्यू मिलती है तो आपको यहाँ पर सिंपली ये प्रिंट करना है। इसको भी चलाऊँगा दोस्तों तो ये भी बिल्कुल वैसा ही आउटपुट प्रिंट करेगा जैसा अब तक मेरे सारे कर्सर्स ने किया है, क्योंकि एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैंने सभी जगह सिमिलर रखा हुआ है। लास्ट अपने एट्रीब्यूट की बात करते हैं दोस्तों। लास्ट एट्रीब्यूट मेरा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक डिफरेंस है कि ऊपर के फाउंड हो, नॉट फाउंड हो या इज ओपन वाला एट्रीब्यूट हो, सभी मेरे ट्रू और फॉल्स बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रहे थे, जबकि ये वाला एट्रीब्यूट मेरे को रिटर्न करता है न्यूमेरिक वैल्यू। मतलब जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड मेरे कर्सर के अंदर सेलेक्ट होंगे, जितने के ऊपर मैं एक्शन परफॉर्म कर लूँगा, ये पैरेलली दोस्तों हर बार अपना एक इंक्रीमेंट करके परसेंटेज रो काउंट के अंदर एक वैल्यू को स्टोर करता हुआ चलता है। अभी भी मेरा एग्जांपल सेम टू सेम ही है, वही कर्सर, वही दो वेरिएबल, वही कर्सर को ओपन किया, उसके बाद रिकॉर्ड फेच की उन्हीं दो वेरिएबल्स के अंदर जो मैंने बोले। और अब की मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा है कि नॉट फाउंड है, अगर नहीं मिलता है कोई रिकॉर्ड, ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे मुझे बता दे कि भाई टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने मेरी क्वेरी से निकले। लेकिन अगर फाउंड हो रहे हैं तो सिंपली ये सैलरीज वाली इंफॉर्मेशन प्रिंट कर दे। तो दोस्तों आप बेहतर जानते हैं ये मेरा नॉट फाउंड में कब जाएगा। भाई नॉट फाउंड के अंदर ये तभी जाएगा जब ये पूरी तरह से मेरा कर्सर काम कर चुका होगा। मतलब लास्ट रिकॉर्ड के बाद जब हम 11th रिकॉर्ड को फैच करने की कोशिश करेंगे, जो कि मेरी टेबल के अंदर होगा ही नहीं, ये दोस्तों इस इफ कंडीशन के अंदर आएगा ही तभी। मतलब सारी की सारी चीज़ों के लिए तो ये वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन जैसे ही मैं एग्जिट करूँगा दोस्तों, मैं यहाँ पर सिंपली परसेंटेज रो काउंट को यूज़ करके ये पता कर लूँगा कि मैंने इस सेलेक्ट स्टेटमेंट में आने वाले कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड पर काम किया है। तो मैं सिंपली सेलेक्ट करता हूँ, इसको यहाँ पे चला देता हूँ और चलाने के बाद में आउटपुट देखते हैं। दोस्तों पहले सारी की सारी एम्प्लॉयज़ के नेम के साथ सैलरीज प्रिंट होनी चाहिए, जो कि देखिए ये हो भी गई हैं। तो ये एल्स कंडीशन में मेरी ये इस वाली स्टेटमेंट से ये सारी प्रिंट हो गई। जैसे ही वो नॉट फाउंड वाली कंडीशन ट्रू हुई, ट्रू कब होगी, जब मेरे कर्सर में कोई वैल्यू नहीं होगी। जैसे ही ट्रू हुई उसने सिंपली मुझे बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो मैंने क्वेरी में काम किए, जिसके लिए परसेंटेज रो काउंट का काउंटर मेरा बार बार इंक्रीज हुआ, वो 10 था। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड मेरे 10 थे जिन पे मैंने काम किया। सो दोस्तों ये एक छोटा सा एग्जांपल था जहाँ पर हमने कर्सर एट्रीब्यूट्स को अपने एक्सप्लिसिट कर्सर के साथ यूज करके देखा। सो होपफुली फ्रेंड्स आपने कर्सर का और एग्जाम्पल बखूबी हमारी इस लैब में किया होगा, ईजिली समझ भी लिया होगा कि एट्रीब्यूट्स हमें किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, कैसे एट्रीब्यूट क्रिएट किए जाते हैं, कैसे उनको यूटिलाइजेशन में लाया जाता है, कौन सा एट्रीब्यूट किस तरीके से किस वाले कर्सर के टाइप के साथ यूज़ होता है। तो अगर ये छोटा सा कंसेप्ट कर्सर एट्रीब्यूट्स का आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे उन भाइयों के लिए जो कर्सर्स को लेकर थोड़े बहुत परेशान रहते हैं या उनको समझ में नहीं आता है या वो और अच्छे से और बेहतर तरीके से लर्न करना चाहते हैं। साथ में दोस्तों कमेंट करके अपनी रिक्वायरमेंट, अपने सजेशंस अपने इस भाई तक लगातार इसी तरीके से भेजते रहिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए, इस फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट आपके पास थोड़े से डिफरेंट तरीके की नॉलेज वाले वीडियोस टाइमली आते रहें। और एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी इस वाली लैब का कोड हो या किसी और लैब का कोड हो, आपको उसके लिए कभी परेशान नहीं होना है। सिंपली एक व्लॉग है जो मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और मेरी स्क्रीन पे भी वो ब्लिंक कर रहा है, इस पे जाइएगा, इजीली अपने टॉपिक को सर्च कीजिएगा और अपने उस कोड को वहाँ से यूज़ कर लीजिएगा जो भी हमने लैब के अंदर यूज़ किया है। साथ में दोस्तों
आपके भाई का एक YouTube का व्लॉग चैनल भी है, कभी टाइम मिले तो उस पर विजिट जरूर कीजिएगा, वो भी यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। फिर से मुलाकात होगी एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए लॉजिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।